आज देशभर में लोहड़ी का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि यह त्यौहार पंजाबियों का और सिखों का है, लेकिन आजकल सभी इस त्यौहार को बेहद धूमधाम से मनाते हैं। फिलहाल हम मंडी हाउस पर मौजूद हैं और मेरे साथ कई सारे युवा हैं और यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की गई है। इसके साथ साथ लोहड़ी का जो प्रसाद है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बांटा जा रहा है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए, हालांकि पंजाबी इसको मनाते हैं लेकिन आजकल ट्रेंड है कि सभी इसको बेहद धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है सर कि हम एक सेकुलर मुल्क हैं, एक बहुत प्यारा और शांत मुल्क हैं, तो हम लोगों के त्यौहार, हम लोगों के सुख दुख एक दूसरे से बहुत हम एक्सचेंज करते हैं। हम यही चाहते हैं कि आने वाला साल और ये साल बहुत अच्छा गुजरे, शांति से गुजरे, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे ढंग से सॉल्व हों, कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए सॉल्व हों और प्यार से सब लोग अच्छे से रहें। कुछ भी जो कुछ भी हुआ है उस तरह की चीज़ें ना हो, कहीं भी हिंसा ना हो। गांधी जी का मुल्क है और बहुत प्यार से और शांति से हम लोग रहें और ऐसे त्योहारों में और हर गम में खुशी में एक दूसरे को हम एक साथ रहें और बहुत प्यार से हम लोग इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें। बिल्कुल, इसी मैसेज के साथ तमाम जितनी नेगेटिविटी है वो आप आज इसमें खत्म हो गई। जी बिल्कुल, सब खत्म हो जाए। जो भी हालात हैं इस समय मुल्क के, जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो यही है कि नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिव सॉल्यूशन निकले, सब कुछ अच्छा हो, सब अपने। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस मैसेज के साथ आज लोहड़ी मना रहे हैं? जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, बिल्कुल हमारा मुल्क ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें हम साथ मिलकर मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब। ये तरीका एक तरह से प्यार बांटने का, तो जितनी भी चीज़ें एक तरह का हमको मौका देती है कि साथ रहा जाए, साथ प्यार बांटा जाए, और अच्छी बात है, ऐसे मौके आते रहने चाहिए बार बार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के तमाम जितने युवा हैं आज लोहड़ी का त्यौहार यहाँ पर मना रहे हैं, यही मैसेज देने की कोशिश है। हमारे देश की तमाम जितनी नेगेटिविटी है वो इस आग में जल जाए और इसी तरीके से सभी धर्म के लोग जो हैं वो एक साथ सभी त्यौहार को मनाएं। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।